मकसूदे कायनात और एक रिवायत। कुछ दिनों पहले एक शेर को लेकर दो गिरोहों में काफ़ी बहस व तकरार हुई। वो बेदम शाह वारिसी का ये शेर था, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा व अली। एक ग्रुप ने कहा कि ये शेर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मकसूदे कायनात सिर्फ़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी हैं। और दूसरे ने कहा कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। दोनों तरफ से तहरीरों और तकरीरों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें राफजियत और खारिजियत के फतवे भी जारी किए गए। सेहत शेर का इनकार करने वालों को किसी ने अहले बैत का दुश्मन करार दिया, तो दूसरी तरफ हिमायत करने वालों को राफजियत और शियत का दलाल कहा गया। इस इफरात व तफरीत के माहौल से दूर एक मोतदल मिजाज रखने वाली जमात ने इस्लाह की भरपूर कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के सिर पर ऐसा भूत सवार है जो किसी की सुनने ही नहीं देता। जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, तो अपनी फतह का झंडा बुलंद करने के चक्कर में कुछ लोगों ने ये भी नहीं देखा कि हम जो गोलियाँ चला रहे हैं वो आखिर कहाँ से ली गई हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से दलाइल पेश किए जा रहे थे, लेकिन इसमें बाज़ लोगों ने इधर उधर की बातों को भी दलील बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिसाल के तौर पर इस शेर को दुरुस्त कहने वालों में से बाज़ ने शियों की घड़ी हुई रिवायात को भी नहीं छोड़ा। अपने पलड़े को भारी करने के लिए ऐसी रिवायात को बयान किया गया जो मजहब शिया की तर्जुमानी करती हैं। एक रिवायत कुछ इस तरह है। रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके जिस्म में रूह डाली, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के दाहिनी तरफ निगाह उठाकर देखा कि पंचतन पाक का नूर रकू और सुजूद कर रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनके मुतालिक सवाल अर्ज किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरी औलाद में से पाँच शख्स हैं, अगर ये पाँचों ना होते तो मैं जन्नत, दोज़ख़, अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, फरिश्ते और इंसान वगैरह किसी को पैदा ना फरमाता। इस रिवायत का हवाला देते हुए कुछ किताबों का नाम भी लिया जाता है। मसलन एक मुकर्रर साहब ने कहा, इस रिवायत को पीर महरे अली शाह साहब ने अपनी किताब महरे मुनीर में लिखा है और इसे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया। पहली बात तो यह है कि महर मुनीर नामी किताब पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ नहीं है, बल्कि मौलाना फैज़ अहमद की है। ये किताब पीर महर अली शाह गोलड़वी की सवाने हयात पर मुश्तमिल है। इसमें ये रिवायात एक दूसरी किताब से नकल की गई है, जिसका नाम अरजहुल मतालिब है। इस किताब अरजहुल मतालिब के हवाले से और भी बाज़ लोगों ने इस रिवायत को नकल किया है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इरजहुल मतालिब अहले सुन्नत की मोतबर किताब है, लिहाजा अब ज़रा एक नज़र इस किताब पर भी डालते हैं, ताकि मालूम हो जाए कि ये अहले सुन्नत के नज़दीक कितनी मोतबर है। इरजहुल मतालिब पर एक नज़र। ये किताब मौलवी उबैदुल्ला अमृतसरी की है, जो कि सुन्नी नहीं बल्कि तकियाबाद शिया था। इस किताब में दर्ज ज़ेल बातें भी मौजूद है। नंबर एक, जो औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से बोझ रखे उसे पाखाने की राह से हैस का खून आता है। नंबर दो, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं और अली एक नूर हैं, इससे शियों का अकीदा साबित हुआ। नंबर तीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से बाग़ फिदक के मामले में इज्तिहादी ख़ता हुई। नंबर चार, शेखैन से बतकाज़े बशरियत उमूर शरीयत में गलती हो जाया करती थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से गलती का सुदूर मुमकिन नहीं था, इससे इस्मत का अकीदा साबित होता है। शियों का अकीदा है कि हज़रत अली मासूम हैं। नंबर पाँच, मोहम्मद बिन सीरीन कहा करते थे कि अगर वो कुरान मिल जाता जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जमा किया था, तो इससे बहुत इल्म हासिल होता। इससे भी शियों का ये अकीदा साबित होता है कि कुरान मुकम्मल नहीं है। नंबर छः, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली खैरुल बशर हैं, जिसने इनकार किया वो काफिर हैं। नंबर सात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि शबे मेराज अल्लाह ताला ने आपसे किस आवाज़ में कलाम किया था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की आवाज़ के साथ। ये भी अकायदे शिया की तर्जुमानी करते हैं। नंबर आठ, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को अली के मुँह के नूर से पैदा फरमाया। नंबर नौ, हज़रत फ़ातिमा का निकाह फरिश्तों की गवाही से हुआ।
देखिए इर्जहुल मतालिब यानी सीरत अमीरुल मोमिनीन। इसके अलावा और भी कई इबारात है जो अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद के खिलाफ हैं, लिहाजा ये हमारे नज़दीक मोतबर नहीं और इसके हवाले अहले सुन्नत पर हुज्जत नहीं हो सकते। मुल्के पाकिस्तान के एक मशहूर खतीब ने इस रिवायत को बयान करके जब हवाले देना शुरू किए तो रफ्तार में ये भी कहते हुए निकल गए कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे नकल किया है। इन्होंने किताब का नाम ही नहीं बताया और बताते भी कैसे जब ऐसी कोई किताब ही नहीं थी। इस रिवायत को सही साबित करने के लिए कुछ तफसीर की किताबों का भी हवाला दिया जाता है, हालांकि कुतुब तफासीर में मौजूद रिवायत के हालात अहले इल्म हजरात बखूबी जानते हैं। ऐसे हवाले पेश करने से कोई फ़ायदा नहीं। इससे मिलती जुलती एक रिवायत यूँ बयान की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहि सलाम ने किन कलमात के ज़रिए तौबा की थी? तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे इन पांचों यानी मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन के वसीले से बख्श दे। इस रिवायत को इमाम इब्ने जौज़ी ने अल मौजूआत में दाखिल किया है और इमाम दार खुदनी, यहिया बिन मुईन और इब्ने हिब्बान के अकवाल को भी नकल किया, जिससे ये वाज़े होता है कि ये रिवायत सही नहीं है। इसके अलावा अबू जुरहा, अबू हातिम, अबू मामर, इब्ने अदी वगैरह ने इसके रावियों पर जिराह की है। हमारी इस पूरी बहस का मकसद सिर्फ ऐसी रिवायात का रद्द करना है जो कि शियों की घड़ी हुई है और इनके मज़हब को तकवीत पहुंचाती है, ना कि ये साबित करना है कि बेदम शाह वारिसी का ये शेर दुरुस्त है या नहीं है। فاعتبروا يا أولي الأبصار علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا میرا مرشد علی مولا میرا مرشد علی